गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई होप आप भी अच्छे ही होंगे। अभी मैंने लंच के लिए कढ़ी जो है वो प्रिपेयर कर ली है और ब्रेकफास्ट के लिए बच्चों के लिए आज बनाई है मैगी। वो ऐसे ही सिंपल वाली मैगी खाते हैं, उनको सारा तो बिल्कुल प्लेन मैगी खाती है, उसमें कोई वेजिटेबल्स ऐड करके वो मैगी बिल्कुल भी नहीं खाती है। और अर्जुन दोनों टाइप की खा लेता है, लेकिन आज उसका मन था कि आज वो प्लेन मैगी खाएगा, तो उसके लिए भी वही मैगी बनी है। और मैं अपने लिए जो है मैगी वो बाद में बनाऊंगी, क्योंकि मुझे ये वाली मैगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं इसको ऐसे टेस्ट भी नहीं करती हूँ, इवन नॉट इवन हाफ स्पून मैं नहीं टेस्ट करती हूँ इसको। मैं अपने लिए बनाऊंगी जब उसमें मटर, प्याज, टमाटर ये सब डाल करके बनाऊंगी। सो कल क्या हुआ कि मैंने कल भी कढ़ी बनाई थी और आज फिर से मैंने कढ़ी बनाई है। उसका रीज़न ये है कि कल जब मैंने खाना बनाया तो सेवियाँ बनाई थी ब्रेकफास्ट के लिए, वो भी बिल्कुल अच्छी नहीं बनी। और आफ्टरनून लंच के लिए मैंने जो है कढ़ी और राइस बनाए थे और कढ़ी भी अच्छी नहीं बनी। पता नहीं हुआ क्या कल, एक्चुअली एक तो बच्चों की छुट्टी थी कल दोनों की, तो मेरा काम मॉर्निंग से ही लेट 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 चल रहा था। मैं पहले उठी लेट, बच्चे भी लेट उठे, तो इस वजह से काम थोड़ा डिले होता गया। जब मेरा काम डिले हो जाता है तो मेरा काम करने का मन ही नहीं करता एक्चुअली। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि फिर मेरे से काम हो ही नहीं पाता है। तो कल क्या हुआ कि कल जब मैंने वो कढ़ी को खाया तो मैं बोलूँ, मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी है, तो ये मैंने बनाई है। तो सारे बोल रहे हैं हाँ तो तूने ही बनाई है और तेरे अलावा यहाँ पे कौन खाना बनाता है। सो आज फाइनली मैंने फिर से दोबारा क्या है कि आज फिर से कढ़ी बनाई है और आज अच्छे तरीके से बनाई। आज मैंने थोड़ा सुबह जल्दी उठ करके अपना सारा जो है लंच वंच का काम प्रिपेयर कर दिया है। राइस अभी नहीं बनाया, वो तभी बनाऊँगी जब खाने होंगे। अभी बस इनके बच्चों के लिए मैगी बना दी है, वो भी बस मैगी खाएंगे और मैं अभी अपने बाकी के घर के जो हैं वो काम करूँगी, उसके बाद मैं अपने लिए मैगी बनाऊँगी। अमन जी का ब्रेकफास्ट सुबह ही हो चुका है काफ़ी टाइम पहले से। तो चलिए अभी मैं फटाफट डिले नहीं करती हूँ और जल्दी जल्दी काम खत्म करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए ना ये कवर उतरवा दो जरा, चाय दे रही हूँ, एक सेकंड आ गई। हाँ भाई सरिता कवर उतरवा दे जरा, एक सेकंड। टीवी जो है ना रजे आगे की, ठीक है सारे बोलना। और सूखा कपड़ा ही यूज़ करना और इसको रगड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से फेरना, नहीं तो इस पर स्क्रैच आ जाती है। उतरवा दो सरिता, पहले इसे चेक कर भी इसकी जिप वगैरह किस साइड पे है। खुल गया? अच्छा सच इसकी जिप है ही नहीं, प्लास्टिक। ये धोने में डालना है। क्या हो सकता है? नहीं क्या मेन का कसम से कल से ना मेरे को बड़ी हंसी आ रही है, इसका नाम भी मेन। अब मैं यही सोच रही थी कल से, मैं अपना ही नाम पहली बार जिंदगी में इतनी बार बोल रही हूँ। बहुत बोलता किसी और को, हाँ किसी और को कभी नहीं बुलाया, मेरे को बहुत अजीब लग रहा है। हाँ रेखा है, रेखा मैं हूँ। क्यों मेरा नाम अपना मैंने से कैंटीन का काम शुरू करें। हाँ, मैंने सामान वगैरह सारा साइड पहुँच जाना। हाँ, पर कल रात हो गई थी, 11 बजे रात को आई थी मैं वहाँ से। क्या करके? मतलब सारा मतलब सफाई करी थी और टेबल टूबल लगाया। इधर पर इसने पता क्या किया तूने नीचे वाले कवर उतारे ही नहीं, ऊपर ही चढ़ा। अच्छे ही उतार लेते और क्या, मैंने बोला नहीं था कोई ना, उसमें भी चढ़ा हुआ है क्या? हाँ। हे भगवान, मैं भी सोच रही हूँ कि तो इतने आसानी से चढ़ जाते हैं, ये चढ़ क्यों नहीं रहा तक सही। तो वो भैया तक ही लगा। Please welcome Bagapra. अभी अभी जो आपने क्लिप्स देखे डांस एकेडमी के, वो एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट मोगा में पहले मेरी डांस एकेडमी थी। वहाँ पे कोरियोग्राफर आते थे जो कि बच्चों को और बड़ों को और कपल्स को सबको डांस सिखाते थे। तो अभी जैसे हमने मोहाली में शिफ्ट कर लिया, उसके बाद में हमने उसको वहाँ से वाइंड अप कर दिया। तो बच्चे आज बैठ के बाई चांस ही सारा ने और अर्जुन ने वो चला दी, और अमन जी बैठ के वो वीडियो जो है वो देख रहे थे। एक्चुअली केबल टीवी पे उसकी ऐड चलती थी, तो वो वीडियो जो था वो कंप्यूटर में सेव था। तो आज वो बाई चांस चला दिया उन लोगों ने, तो फिर मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया। तो बस एक याद है मेरी, पुरानी यादें हैं उसके साथ जुड़ी हुई हैं। सो अच्छा लगा मुझे काफ़ी। अभी बस मैं अपने लिए जा रही हूँ मैगी बनाने के लिए फटाफट से। अभी ब्रेकफास्ट जो है मेरा आज बहुत लेट हो गया है, नियर अबाउट 1-1:30-2 बज गया होगा मेरे ख्याल से। और बस ये करके फटाफट से बस फिर मैं और अर्जुन जो है आज जाएंगे मूवी के लिए साहो। एकदम से ही हमारा 1 घंटा पहले ही प्लान बना कि हमें मूवी के लिए जाना है। सो अमन जी का भी मन नहीं था जाने का, सारा भी बोली कि उसको भी नहीं जाना है। एक्चुअली एक्शन मूवी है तो सारा का इतना ये सब सारा को ज़्यादा पसंद नहीं, वो डर जाती है ये सब देख के। तो मैं और अर्जुन जो है वो हम लोग मूवी देखने जाएंगे। वहाँ पे हमें अर्जुन के 2 फ्रेंड्स मिल गए जो कि उसके स्कूल में ही, सेम स्कूल में ही पढ़ते हैं। एक +1 में एंड एक आई थिंक 8th में, और वो दोनों उसके बस पार्टनर्स हैं और काफ़ी अच्छे दोस्त हैं ये लोग। काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलके। तो चलिए आपको भी उनके साथ में अभी थोड़ी देर में मिलवाती हूँ। My name is Kishik, Arjun's friend, bus partner maybe. Hi. So we all are here to watch Saaho, and probably it's gonna be good. Though we are a little late, it's already 1 week since it's released, but let's hope for the best maybe. Would be sharing the reviews. Thank you. Thank you. मेरे को तो आप जानते होंगे, बड़ा आदमी। नहीं, हम नहीं जानते। कनिष शेरावत हाय। ये डी है, बी है, डी है, डी तो बड़ी हुई थी, बी फाइव, बी सिक्स, ओ ये कोइंसिडेंस काट मारना। हां पाई 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 ना खुदा ने क्या कर रही हो? बस पौधे में पानी डाली। हेलो सो आज मैं और अर्जुन जो है हम मूवी देखने गए थे साहो, और काफ़ी अच्छी मूवी है वैसे। जो लोग थोड़ा एक्शन और थोड़ा मास्टरमाइंडनेस जो जिनको पसंद है वो लोग ये मूवी डेफिनेटली देख सकते हैं। पहले तो मुझे थोड़े टाइम के लिए मूवी बिल्कुल भी समझ में नहीं आई कि चल क्या रहा है, कौन है ये बंदा, क्या है इसका, इसमें क्या कैरेक्टर है, ये कैसे रिलेटेड है उस चीज़ से। लेकिन मेरे को सच्ची में बिल्कुल समझ नहीं आई, तो मुझे पहले तो लगभग आधा घंटा यही लगा कि ये तो वेस्ट हो गया, मैं तो आना ही मेरा तो बेकार हो गया, मैं क्यों आ गई इस मूवी को देखने। लेकिन जैसे मूवी आगे चलती गई तो कुछ चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे समझ में आने लग गई। इतने ज़्यादा उस मूवी में टर्निंग पॉइंट, इतने ज़्यादा ट्विस्ट, इतने ज़्यादा उसमें सरप्राइजेज हैं आपके लिए मूवी में देखने के लिए कि आप खुद हर टाइम सरप्राइज होते रहोगे। अच्छा ये ऐसे नहीं ऐसे था। मैं हर बार में जब भी कुछ वो हो रहा था मेरा रिएक्शन, अच्छा ये भी ऐसे ये भी ऐसे। तो एट लास्ट तक मतलब उसको समझना थोड़ा सा वो हो गया, लेकिन काफ़ी सस्पेंस था, लेकिन काफ़ी अच्छा सस्पेंस था। मुझे ओवरऑल ये मूवी जो है वो बहुत अच्छी लगी। एक बस मूवी में कोई ज़्यादा सॉन्ग्स नहीं है, दो या तीन सॉन्ग्स ही हैं बस, इसके अंदर ज़्यादा सॉन्ग्स भी नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं। और आप डेफिनेटली एक बार ये मूवी जो है वह आप देख सकते हैं। सो अभी जस्ट वापस आए हैं और मेरा हेडेक जो है थोड़ा सा स्टार्ट हो गया, तो मैंने अभी जस्ट आकर के पहले मेडिसिन ली है। मैं अभी चेंज करूँगी, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, देन उसके बाद मैं जाऊँगी ब्रश वगैरह करने और फेस वॉश करने के लिए। सो चलिए आज का ये मेरा व्लॉग जो है मैं इसको यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो मुझे यानी मेनका को दीजिए इजाज़त, मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।